हेलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा, हमने बेसिक पढ़ा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, अब आप पढ़ेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ फर्म। हम लेटेस्ट में जो पढ़ा बेटा लास्ट में, वो जेएलपी पढ़ा था, और जेएलपी में हमने बहुत इनिशियली देखा था और ज़्यादा डीप में हम गए नहीं। देखते हैं आगे अमलगमेशन ऑफ फर्म। बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस पर मॉड्यूल में कुल मिलाकर प्रैक्टिस प्रॉब्लम और सब मिलाकर 3 प्रॉब्लम दिए हुए हैं, तो उससे क्लियर होता है कि ये इंपॉर्टेंट तो है। दो पार्टनरशिप फर्म्स का अमलगमेशन। बेटा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक एबी फर्म है आपके सामने, एक मेरा एग्जांपल बनाया हुआ है, एक सीडी फर्म है। दोनों एबी फर्म और बीसी फर्म, उसमें मैंने बी पार्टनर कॉमन रखा है, ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है। ये दोनों फर्म अलग अलग काम कर रही है, दोनों की असेट अलग अलग है, लाइबिलिटी अलग अलग है, प्रॉफिट शेयरिंग अलग अलग है। एबी फर्म में पार्टनर एबी है, सीडी फर्म में बीसी पार्टनर में पार्टनर बी और सी हैं। अब ये डिसाइड होता है कि दोनों फर्म को वाइंड अप कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए और एक नई फर्म बना ली जाए, एबीसी फर्म। और वो नई फर्म एबी फर्म को भी टेक ओवर कर ले और बीसी फर्म को भी टेक ओवर कर ले, उसका बिजनेस, उसकी असेट, उसकी लाइबिलिटी टेक ओवर कर ले। और पीसी के बदले में, जैसे कंपनी जब टेक ओवर करती है तो बेटा क्या करती है, पीसी में शेयर दे देती है, डिवेंचर दे देती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। एक पार्टनरशिप फर्म जो नई बनी है, जिसको हम कहेंगे अमलगमेटेड फर्म, और ये जो एबी और बीसी फर्म है, ये है अमलगमेटिंग फर्म्स। बेटा, जो अमलगमेटेड फर्म है, न्यू फर्म है, वो क्या करेगी, ए को अपने आप पार्टनर बनाकर, बी को अपने आप पार्टनर बनाकर उनके कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्रेडिट करके पेमेंट करेगी। कंपनी शेयर्स इशू करके पेमेंट करती है, पार्टनरशिप फर्म कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करके पेमेंट दे देगी। ए पार्टनर जो अभी ए बी फर्म में पार्टनर है, वो न्यू अमलगमेटेड फर्म में बन जाएगा पार्टनर। और बी जो है, वो बी और सी दोनों फर्म में पार्टनर है, ए बी और बी सी दोनों में, वो भी नई फर्म में पार्टनर बन जाएगा अपनी कैपिटल लेकर के। और सी जो है, अभी बी सी फर्म में पार्टनर है, उसको भी नई फर्म में मिल जाएगी कैपिटल, और असेट लाइबिलिटी नई फर्म में आ जाएगी, वो भी रिवाइज वैल्यू पर। तो ये ए बी और बी सी फर्म डिजॉल्व हो जाएगी और एक नई फर्म बना ली जाएगी, उसको लेकर के। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है। यदि आप इसको लॉजिक से समझ लें तो फिर आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। एक बार समझ लिया, खत्म काम, सीधे एग्जाम में जाकर निपटेंगे इसको। सीधे एग्जाम में इतना अच्छा कर लो कि एग्जाम के वक्त आपका लोड न रहे कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, कई चीज़ें खत्म कर दो अभी से। उसमें ये भी एक चीज़ है जो बहुत ईजी है बेटा, इसमें कुछ रटने वाला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। तो बेटा, इसमें क्या करना है, ये जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, असेट्स है ए बी फर्म की 1170 और बी सी फर्म की 1,17,000 और 1,05,000, इंक्लूड 7,000 ड्यू फ्रॉम बी सी। एक ए बी फर्म की डेटर में 7,000 बी सी से लेना बाकी है। यदि ए बी के डेटर में लेना बाकी है बी सी से, तो बी सी के क्रेडिटर में देना बाकी आ रहा होगा 7,000 डेफिनेटली। यदि ए बी फर्म के डेटर में शामिल है, तो बी सी फर्म के क्रेडिटर में शामिल होगा 7,000। ए बी फर्म बी सी से लेना दिखा रही, ध्यान रखिएगा, कैपिटल ए बी की और उधर बी सी की दी है, जनरल रिजर्व दिया है, लाइब्रेरी दी है। इधर ए बी एंड बी सी फर्म अमलगमेटेड बाय फॉर्मिंग ए न्यू फर्म ए बी सी फर्म। बेटा, असेट का वैल्यूशन किया गया, असेट का वैल्यूशन गुडविल ए बी फर्म की और सी डी फर्म की वैल्यू की गई बी सी फर्म की, और जो अदर असेट है उसका वैल्यूशन किया गया। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट, बेटा आप जब एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब मॉड्यूल में क्वेश्चन करोगे, तो यही असेट को स्टॉक, डेटर, लैंड, बिल्डिंग, फलाना, डिम का, केज, बैंक सब में कर कर करके दिया होगा। मैंने सिर्फ, क्योंकि हमें बेसिक क्लियर करना है, मैंने सिर्फ असेट ले लिया। तो असेट जो 117 की है ए बी में, उसका वैल्यूशन 130 भी हुआ, और बीसी में जो 1,05,000 की है, उसका वैल्यूशन 90 पे हुआ। ए बी में रिलेशन प्रॉफिट है, बीसी में रिलेशन लॉस है। हाँ, गुडविल जरूर रिलेशन प्रॉफिट है दोनों में। ओल्ड रेशियो ए बी में रेशियो था 2:1, बीसी में रेशियो था इक्वल, और नई फर्म में रेशियो रहेगा 5:3:2। और बेटा, ये नई फर्म जो होगी वो ए बी सी फर्म है, उसमें ए और बी कोई भी रिटायर नहीं हो रहा, ए बी और सी में से कोई भी रिटायर होकर बाहर नहीं जा रहा, बल्कि नई फर्म में तीनों पार्टनर पार्टनर बन जाएंगे। गुडविल विल नॉट अपेयर इन, मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या दिया है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये पॉइंट दे दिया कि जो गुडविल है ना, ये ए बी की और बी सी की, ये ए बी सी नई फर्म के लिए ये परचेज गुडविल है, ये नई फर्म गुडविल दिखा सकती थी, लेकिन क्वेश्चन ने डिनाई कर दिया, ये गुडविल नई फर्म की बैलेंस शीट में अपेयर नहीं होगी। जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो मैं क्वेश्चन दोनों बताने की कि अपेयर होती तो क्या करते हो, नहीं होती तो क्या करना है। ठीक है, मैं उसका इजी वे बता रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन बेटा, अब यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले वर्किंग नोट बनेंगे बेटा। वर्किंग नोट में क्या है बेटा, हम पहले क्या करेंगे, मॉड्यूल में वह तरीका थोड़ा अलग है,
पर मैं तरीका थोड़ा अलग फॉलो कर रहा हूँ बेटा। पहले पीसी निकाल लेना चाहिए कि एबीसी फर्म कितना पीसी देगी, एबी फर्म को कितना पीसी देगी। पीसी फर्म को हमें पीसी निकाल लेना चाहिए बाय असेट्स एंड लाइबिलिटी। हमेशा यहाँ पीसी असेट मेथड निकलेगा, ऑल असेट इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल भी जोड़ लो बेटा, नई फर्म में गुडविल नहीं दिखानी है, नई फर्म में गुडविल नहीं दिखानी, वो मैंने माना। और उसका एडजस्टमेंट बेटा नई फर्म में करेंगे ना, हम क्या करेंगे मैं बताऊंगा आपको ना। दिखाने का तरीका क्या, पर इजी वे, सबसे इजी वे बेटा तरीका तो मैं आपको ये भी वो भी सब बता दूं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेहतर है मैं आपको वो तरीका बताऊं जो हमें इजी पड़े। तो बेटा आपको जनरल एंट्री तो पास करनी है, और उसके पहले कैलकुलेशन आप पीसी का हम बना लें वर्किंग नोट। तो बेटा हमने ले ली सबसे पहले गुडविल, हमने ली गुडविल बेटा। गुडविल का वैल्यूएशन 18 और 12 है, 18,000 गुडविल ए बी फर्म की है और 12,000 गुडविल बी सी फर्म की है। अब बेटा सनरी असेट, इसमें सारी असेट आ गई, इसका वैल्यूएशन 1,30,000 पर हुआ है और यहाँ सिर्फ 90 पे हुआ है। बेटा इसमें से करें लेस लाइबिलिटी, लेस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में बेटा क्या क्या, एक ही चीज़ तो है क्रेडिटर्स, ये घटाकर हमारा आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। तो लाइबिलिटी कितनी है बेटा, लाइबिलिटी है 25 और 30, लाइबिलिटी है 25 और 30। बेटा मैं इतना कुछ करके घर से नहीं लाया हूँ, ये सोचा कि कुछ तो आपके सामने करूँ ताकि कुछ ऐसा लगे मैंने क्वेश्चन करवाया। तो 18 की गुडविल प्लस 130 की सनरी असेट माइनस 25 की लाइबिलिटी, 123 है नेट असेट टेकन ओवर बाय एबीसी फर्म। इसमें कॉमन डेट का भी कुछ मत करो, गुडविल का भी कुछ मत करो, सब नई फर्म में होगा। जो एक एबी फर्म को बीसी से 7,000 लेना है, वो एबी फर्म 7,000 क्यों लूज करेगी। तो एबी की असेट में 7 जोड़ने दो और बीसी की 7 लाइबिलिटी घटने दो। इधर 12,000 की गुडविल बीसी में प्लस 90 की सनरी असेट माइनस 30 की लाइबिलिटी 72 की नेट असेट से, ठीक है ये पीसी आ गया। अब बेटा ये तो ठीक है, पीसी तो हमने निकाल लिया, क्योंकि जब भी बिजनेस परचेज एबीसी फर्म ने एबी और बीसी का बिजनेस परचेज किया है तो पीसी निकाल लेना चाहिए बेटा। ज़्यादा टाइम लगता नहीं, मुश्किल से 2 मिनट, हाँ एग्जाम में हो सकता 3-3.5 मिनट लग जाए, आइटम ज़्यादा होंगे, स्टॉक भी डेटर भी ये भी। हाँ डेटर लिए विथ प्रोविजन, तो डेटर ऊपर ले लो प्रोविजन नीचे ले लो, डेटर ऊपर उसका प्रोविजन नीचे लाइबिलिटी साइड में ले लो। कॉमन डेट पर इफेक्ट नहीं है, कॉमन डेट सबसे लास्ट में कैंसिल होंगे, नई फर्म में का इफेक्ट मत आने दो पीसी पर और किसी भी चीज़ पर। हाँ अब बेटा अब यहाँ पर ये मैं नई फर्म की बुक्स में एंट्री पास कर रहा हूँ फॉर ड्यू ऑफ पीसी। बेटा पूछते सिर्फ नई फर्म है, नई फर्म में पीसी ड्यू करेंगे। अब बेटा पीसी जब ड्यू करेंगे तो बिजनेस परचेज डेबिट, नई फर्म ने बिजनेस खरीदा है तो बिजनेस परचेज डेबिट टू एबी फर्म टू पीसी फर्म। बेटा पीसी तुमने निकाला 123 और 72, ये पीसी हो गया 123 प्लस 72 बेटा पीसी हो गया 195। बिजनेस परचेज डेबिट एबी फर्म सीडी फर्म, ये पीसी डी हो गया बेटा। इसी दिन जो आया बिजनेस उसे डेबिट करो और जिसने हमें बिजनेस दिया है एबी और सीडी को क्रेडिट करो। अब बेटा बिजनेस टेक ओवर की एंट्री पास कर लो, उसकी असेट लाइबिलिटी एक एक करके ले आओ। बेटा यहाँ पर ले आओ गुडविल, बेटा गुडविल दोनों की मिलाकर उन्होंने कहा नहीं ये नई बुक्स है और नई फर्म में गुडविल अपेयर नहीं होगी, पर हम अपेयर करने की गलती कर रहे हैं। क्योंकि यदि क्वेश्चन ने ऐसा कहा होता कि ऐसा नहीं कहा होता कि गुडविल अपेयर नहीं होगी, तब तो गुडविल बुक्स में आनी ही चाहिए ना। तो मैं अभी आने दे रहा हूँ 18 और 12 30, गुडविल दोनों की मिलाकर 30 है, आने दो। सनरी असेट्स अभी गुडविल रिकॉर्ड कर लो बेटा, क्वेश्चन ने कहा है अपेयर नहीं होगी तो पर अभी होने दो, ये गलती कर लो। असेट बेटा 130 और 90, 220 की असेट आ गई रिवाइज वैल्यू पर, नई फर्म के लिए रिवाइज वैल्यू ही कॉस्ट है। टू क्रेडिटर्स दोनों के मिलाकर क्रेडिटर बेटा 30 और 25, 55 के हो गए क्रेडिटर्स ना बेटा। टू बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज वो है 195, ठीक है बेटा। ये हमने हाँ यहाँ पर यदि
डेटर होते तो डेटर ऊपर आते और उसका प्रोविजन नीचे आता, मॉडल के क्वेश्चन में है डेटर ऊपर प्रोविजन नीचे। स्टॉक प्लान मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स सुपरवाइजर गुडविल को हमने अभी आने दिया है और कॉमन डेट का भी हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, वो आप करेंगे। अब बेटा अब ये किसी डिस्चार्ज करना है एबी को, जैसे एबी को डिस्चार्ज करना है, एबी फर्म डेबिट, इसको पीसी कैसे दिया जाए एबी फर्म को? बेटा ये तो कंपनी तो है नहीं कि इक्विटी शेयर केवल इशू कर दे, और बेटा हमें यहां पर अमल कमीशन ऑफ फर्म है, यहां पर अमल कमीशन ऑफ फर्म है बेटा, ए और बी और सी ये बिजनेस छोड़ के जा नहीं रहे, रिटायर नहीं हो रहे, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ कि वो चले गए, तो नई फर्म में पार्टनर बनने को रेडी है, नई फर्म में आना चाहते हैं, तो उनको ए और बी को पार्टनर बनाकर उनकी कैप एस कैपिटल और बीस कैपिटल, बेटा जो पीसी है 123 का कितना था पीसी, सॉरी 123 यस 123 का पीसी देना है ए और बी को। कुछ अमाउंट हम ए के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और कुछ अमाउंट हम बी के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ए और बी को पार्टनर बनाकर उनकी कैपिटल में क्रेडिट करके पीसी का डिस्चार्ज करेगी नई फर्म, उसके लिए कितना ए के अकाउंट में क्रेडिट किया जाए और कितना बी। बेटा एकदम अचानक सोचे तो लगता है रेशियो में डाल दो, तो रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बेटा प्रॉफिट के लिए होता है, लॉसेस के लिए होता है, ये तो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, कैपिटल कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जरूरी थोड़ा है क्या। अब वो कह दे कि नई फर्म में रेशियो में लाना है वो तो बाद की बात है, अभी तो आप कैपिटल ए और बी की उतनी रखो, नई फर्म में ए और बी को उतनी कैपिटल दो जितना उनका बैलेंस ओल्ड फर्म में चल रहा था, तो हमें ओल्ड फर्म का बैलेंस निकालना पड़ेगा। ओल्ड फर्म में कैपिटल हमने निकाला बैलेंस ऑफ पार्टनर्स इन ओल्ड फर्म, ए की कैपिटल कितनी थी देखो, ए की कैपिटल 50 और बी की 30, जैसे 50 और 30, ए की कैपिटल थी 50, बी की थी 30, इसमें जोड़ दो जनरल रिजर्व बेटा वो 12,000 है, 8,000 2:1 में और 4,000 ये था ना बेटा, और रेशियो 2:1 था ए और बी का, ये रिजर्व बांट दिया। अब यहाँ जोड़ना है रिलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस बेटा एग्जाम में आपको वर्किंग नोट्स का बनाना पड़ सकता है, मैंने आइटम बहुत कम लिए इसलिए ऐसी मेरा तो ऐसी आ जाएगा इजीली, आपको बनाना पड़ सकता है वर्किंग नोट, सॉरी यहाँ बना लेते हैं बेटा। बेटा असेट, असेट पर प्रॉफिट कितना हुआ, गुडविल बुक में है 0 और वैल्यू देगी 18, तो गुडविल पर प्रॉफिट हुआ 18,000 और 117 के असेट को 130 पे लिया तो 13,000 का प्रॉफिट वो भी हुआ। बेटा प्रॉफिट गुडविल पे हुआ 18,000, अदर असेट पे हुआ 13,000, और कोई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिए क्या मैंने, नहीं दिए, उत्तर तो घट जाते अभी नहीं लिए मैंने, ठीक है। तो बेटा प्रॉफिट मैंने लिया 18 + 13 = 31 / 3 फ्रैक्शन में आ गया 10,00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 0,
अभी हमने ठीक है पे लिखा ली, ये है बैलेंस ऑफ ए इन ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म में जो ए का बैलेंस चल रहा था वही नई फर्म में एज इट इज कंटिन्यू कर देंगे। तो फिर पार्टनर को यदि अपनी केबल को रेशियो मिलाना है तो नई फर्म में ये सब करने के बाद पहले ये करेंगे उसके बाद रेशियो मिलाएंगे यदि क्वेश्चन ने कहा है तो। तो बेटा 78667 यहां पर 78667 की कैपिटल ए को दे दी जाए और 44333 की कैपिटल बी को दे दी जाए। ये हमने पीसी डिस्चार्ज कर दिया ए बी फर्म का, देन पीसी फर्म को डेबिट करो। इसका पीसी था 72, ये कैपिटल जाएगी 20 कैपिटल। अब बेटा यहां पर बी ओ सी की कैपिटल निकालनी पड़ेगी तो यहां पर लिखनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। इसमें जोड़ेंगे बेटा जनरल रिजर्व, फिर रिलेशन प्रॉफिट या लॉस जो भी, ये आ जाएगा बी और सी का बैलेंस इन देयर ओल्ड फर्म। बेटा बी और सी की कैपिटल निकालते हैं, बी और सी की कैपिटल रेशियो था इक्वल 40 और 25, ये बैलेंस है ए बी और सी का इन ओल्ड फर्म।
बेटा रिजल्ट था वहां पर 10,000, ये इक्वल है तो 5,000 का रिजल्ट ए को दिया, बी को दिया, 5 का सी को दिया। और बेटा गुडविल, गुडविल एक रिलेशन प्रॉफिट है और देखते हैं अदर सेट पे लॉस हुआ है। गुडविल बेटा वैल्यूशन हुई है 12 पर, 12 का प्रॉफिट है और 1,05,000 की असेट को 90 पे वैल्यू किया, 15 का लॉस भी है, 15 का लॉस भी बेटा, 12 का प्रॉफिट, 15 का तो लॉस है प्लस 15 का, सॉरी 12 का गुडविल पर प्रॉफिट। तो बेटा क्या हुआ नेट, 3 का लॉस, इनका लॉस, लॉस बेटा 1500 1500 दोनों में घट जाएगा। बोली बस अब निकाल लो 45 माइनस 1500 43,500 की कैपिटल बी की चल रही है ओल्ड बुक्स में। यदि आप बुक क्लोजर करोगे तो यही फाइनल बैलेंस निकलेगा बी का और इसका 28,500 43,500 43,500 और 28,500। ये पीसी का डिस्चार्ज कर दिया बी और सी को पार्टनर बनाकर उनकी कैपिटल में क्रेडिट करके, ये भी हो गया बेटा। अब देखिए बेटा ये जो असेट आई इसमें 7,000 के डेटर शामिल है और ये जो लाइबिलिटी आई इसमें 7 के क्रेडिटर शामिल है। वो डेटर ए बी के लिए असेट थे, वो क्रेडिटर बी सी के लिए लाइबिलिटी थे। अब वो डेटर क्रेडिटर दोनों ए बी सी फर्म के लिए असेट लाइबिलिटी दोनों हो गए। तो बेटा क्या किया जाए, क्रेडिटर को डेबिट कर 7,000 से डेटर को क्रेडिट कर दिया जाए। ये हो गया कैंसिलेशन ऑफ कॉमन डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह इसका कोई इंपैक्ट मत आने दो, बस प्रोविजन उन्होंने देख के बनाया होगा जो बनाया होगा। अब बेटा अब उन्होंने कहा था यदि क्वेश्चन में कहा कि गुडविल विल नॉट अपेयर, तो ये गुडविल तो आप लाए ना बेटा, अभी गुडविल आपने डेबिट की ना 30 की। बेटा यदि क्वेश्चन कहे क्वेश्चन कहे तो गुडविल को रहने दो, ये परचेज गुडविल है, रहने दो इसको बैलेंस शीट में आने दो एज ए परचेज गुडविल इनटेंजिबल। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है गुडविल नॉट अपेयर, विल नॉट अपेयर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए बेटा, गुडविल को राइट ऑफ कर देना चाहिए टू गुडविल, 30 की गुडविल को राइट ऑफ कर दो। इस केस में एबीसी में नए रेशो है बेटा 5:3:2, 30 की गुडविल 5:3:2, 15,000 ए में राइट ऑफ करो, 9,000 बी में राइट ऑफ करो और 6,000 सी में राइट ऑफ करो। ये हमने नई फर्म में गुडविल विल नॉट अपेयर तो राइट ऑफ कर दी। अब बेटा एक चीज मैंने यहां पर और बता दूं कि मैंने यहां पर गुडविल पहले बेटा मैंने गुडविल का प्रॉफिट पहले पार्टनर को बांटा ओल्ड रेशो में प्रॉफिट बांटा गुडविल का। आपको पता है रिलेशन प्रॉफिट में मैंने गुडविल का प्रॉफिट लिया था, वो ओल्ड रेशो में बांटा और नई रेशो में राइट ऑफ हुआ। बेटा अब क्या होगा, तो ये हमने गुडविल राइट ऑफ कर दी, क्वेश्चन की डिमांड है। इसलिए बेटा अभी गुडविल राइट ऑफ हुई है बुक्स में, पर एक्चुअल में गुडविल खत्म नहीं हुई, गुडविल अभी भी मौजूद है, सिर्फ बुक्स में अपेयर नहीं हो रही। आज भी उसकी वैल्यू 30 है पर हमने उसकी बुक वैल्यू 0 कर दी राइट ऑफ करके, और एबीसी ने बीयर कर लिया 15,000 9,000 6,000। आप कहेंगे सर एबीसी बीयर क्यों करेंगे, बेटा कोई दिक्कत नहीं। आप सोचो कल कोई गुडविल बिकेगी, कल को गुडविल बिकेगी, कल परसों नरसों जब भी बिकेगी तो 30 पे बिकेगी, 30 पे बिकेगी तो प्रॉफिट 30 का होगा क्योंकि बुक वैल्यू 0 है और प्रॉफिट 30 का होगा। गुडविल बिकेगी 30 पर, बुक वैल्यू 0, प्रॉफिट होगा 30 का और प्रॉफिट फिर से मिल जाएगा एबीसी को उनके नए रेशो में। तो हमने उनसे अभी छीना है एबीसी से, ये सिर्फ एक नोशनल मतलब एक एंट्री है गुडविल राइट ऑफ करने की, पर एक्चुअल में गुडविल खत्म नहीं हुई, सिर्फ वो गुडविल दिखाना नहीं चाहते हैं, पर एक्चुअल में गुडविल है, उसकी वैल्यू 30 है, बुक वैल्यू 0 पर बिकेगी 30 में तो प्रॉफिट फिर 30 होगा और प्रॉफिट तीनों को मिलेगा नए रेशो में। तो कोई टेंशन नहीं एबीसी को कि हमें राइट ऑफ का ये क्यों बियर करना पड़ा, ठीक है बेटा। बस तो मैंने बता दिया। हाँ अब मैं आपको गुडविल के लिए बता दूँ कि हमने पहले गुडविल को पीसी में ले लिया तो रिलेशन प्रॉफिट में भी आ गया फिर, और फिर इधर राइट ऑफ कर दिया क्योंकि गुडविल वो अपेयर नहीं होने देना चाहते। एक क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, मैं ज़्यादा क्वेश्चन ले नहीं सकता बेटा, आप ही चाहते कि कम से कम क्वेश्चन करवा कर आप कौन सा ही क्लियर करना है। यदि क्वेश्चन में ऐसा कहा होता कि आपको गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना है, एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया मॉडल में गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट से एंट्री करनी है, सिर्फ गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट पूछा गया वर्किंग नोट में गुडविल एडजस्टमेंट, तो बेटा आप क्या करो उस केस में, पीसी में गुडविल मत लो और रिलेशन प्रॉफिट में भी गुडविल मत लो, रिलेशन प्रॉफिट निकालते हुए गुडविल प्रॉफिट मत लो। बस क्या करो, रफ में ओल्ड रेशो में क्रेडिट और नए रेशो में डेबिट कर दो। मतलब क्या करो बेटा, यदि ये तो मैंने आपको करवा दिया, यदि क्वेश्चन ने पूछा होता गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट
गुडविल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट पूछा होता, अकाउंट नहीं। तो बेटा क्या करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। बेटा गुडविल तो है 18,000 की, वो 12 इसको दो और 6 इसको दो, ये क्रेडिट। फिर जो गुडविल बेटा 12 की है ना बी सी की, वो क्रेडिट करो बी और सी में 6,000 और 6,000, ये हमने ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दी। बेटा ये सिर्फ रफ वर्क हो रहा है, जब उन्होंने गुडविल एडजस्टमेंट पूछ लिया मतलब वो गुडविल को बुक्स में दिखाना नहीं चाहते हैं, दिखाना ही नहीं चाहते, गुडविल एडजस्टमेंट रफ में करो, गुडविल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट पूछा है, तो बेटा ऐसा हो सकता है। और अब जो 30,000 की गुडविल है वो नई फर्म में डेबिट कर दो 5:3:2 के नए रेशो में, मतलब 15,000 और 6,000। तो अल्टीमेट एंट्री क्या होगी बेटा, ए को गुडविल की क्रेडिट मिलनी 12, डेबिट मिलनी है 15, नेट 3 से ए को डेबिट दे दो, बी को 6 और 6 12 की क्रेडिट और 9 की डेबिट, 3 की इसको दे दो क्रेडिट, इसको कुछ मत। तो आपकी एंट्री हो जाएगी ए डी आर टू बी, यदि उन्होंने गुडविल एडजस्टमेंट पूछा होता तो ए डेबिट टू बी करके आप नेट एंट्री पास कर सकते हो। समझ में आ गया बेटा, यदि उन्होंने गुडविल का एडजस्टमेंट पूछा है, प्रिपेयर वर्किंग नोट फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, फिर आपका वर्किंग नोट ये बनेगा। यदि आप गुडविल का ऐसा वर्किंग नोट बना रहे हो तो पीसी में गुडविल नहीं लेना है, रिलाइजिंग प्रॉफिट में गुडविल नहीं लेना है, बाकी सब ऐसे ही करना है, और लास्ट में ये एंट्री कर देनी है ए डेबिट टू बी 3,000। ये हो गया गुडविल एडजस्टमेंट वर्किंग नोट पूछा गया हो तो, अदरवाइज तो हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक है बेटा, ये था अमलगमेशन ऑफ फर्म। अगला है बेटा कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू ए कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू ए कंपनी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। हर व्यक्ति चाहता है पुरानी फर्म को बंद करके उसको कंपनी में कन्वर्ट कर लिया जाए, बिजनेस वही रहेगा, सिर्फ बिजनेस का जो लीगल एंटिटी है, पहले पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस चल रहा था, अब कंपनी में बिजनेस चलेगा, तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू ए कंपनी। इसमें होगा क्या, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी और कंपनी नई बना ली जाएगी। वो कंपनी बनाने वाले कौन होंगे, ये पार्टनर या ये नई, ये फर्म। प्रमोटर कौन होंगे, ये फर्म या उसके पार्टनर। नई कंपनी बना लेंगे और नई कंपनी क्या करेगी, पुरानी फर्म के बिजनेस को जो बंद होने जा रही है, फर्म डिसॉल्व होने जा रही है, उसकी असेट लाइब्रेरी को टेक ओवर कर लेगी। तो ये तो आपके अमलगमेशन चैप्टर जैसे ही हो गया, ये काफ़ी कुछ वैसा हो गया। और पीसी के बदले में एक कंपनी क्या करेगी, पीसी के डिस्चार्ज में एक कंपनी, जो कंपनी है वो इक्विटी शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर एज पर द डिसाइडेड टर्म्स कंडीशन दे देगी। तो वो कैसे इक्विटी शेयर देगी, कितने प्रेफरेंस शेयर, कैसे डिवेंचर देगी, उसके लिए हमें क्वेश्चन समझना होगा। तो कन्वर्जन बेटा, कन्वर्जन में सबसे पहले कंपनी विल इशू इट्स शेयर जनरल इक्विटी शेयर टू फर्म इन डिस्चार्ज ऑफ पीसी इधर फुल और इन पार्ट। पीसी के बदले में या तो पूरा पीसी इक्विटी शेयर में, या थोड़ा पीसी इक्विटी शेयर में, थोड़ा कैश में, थोड़ा डिवेंचर में, जैसा भी हो, कंपनी पीसी के बदले में जनरली अपने इक्विटी शेयर देती है और वही होना चाहिए। बेटा फर्म में पार्टनर कौन, ए बी। कंपनी में डायरेक्टर कौन, ए बी। कंपनी में शेयर होल्डर कौन, ए बी। देने वाला पेमेंट कौन, ए बी की कंपनी। लेने वाला कौन, ए बी की फर्म और ए बी। तो अल्टीमेटली देने वाले भी ए बी हैं एज ए शेयर होल्डर और लेने वाले भी कौन है, ए बी एज ए पार्टनर। तो बेटा क्या करना है, लेन देन आपस में फालतू करके तो कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर इशू करके उनको अपने शेयर होल्डर बना लेगी। तो बेटा जनरली पीसी शेयर्स में होता है और फर्म विल डिस्ट्रीब्यूट दिस शेयर्स टू इट्स पार्टनर दोज आर इंटरेस्टेड इन टू जॉइन फर्म। बेटा मान लो ए बी सी फर्म है, ऐसा लिखा है बी से डिस्प्यूट हो गया इसलिए फर्म डिसॉल्व हो रही है और अब कंपनी बना रहे हैं ये लोग, बिजनेस बंद नहीं कर रहे बल्कि कंपनी बनाएंगे। तो बेटा बी से तो डिस्प्यूट हो गया ए और सी का, फिर कंपनी में बी थोड़ा आएगा, बी को केस देकर रवाना कर देंगे, वो पीसी में इक्विटी शेयर नहीं लेगा, जो कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहते हैं उनको पीसी के बदले में क्या मिलेगा, उनको अपनी केबल के बदले में फर्म पेमेंट में क्या देगी, फर्म उनको इक्विटी शेयर देगी। पीसी में फर्म को क्या मिला, शेयर्स। वो शेयर फर्म क्या करेगी, अपने पार्टनर को बांट देगी, उन पार्टनर को बांट देगी जो कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। जैसे एबीसी में से बी का झगड़ा हो गया, बी चला गया, कंपनी बनी, ए और सी शेयर्स लेंगे। अब पार्टनर नॉट इंटरेस्टेड जॉइन कंपनी विल बी पेड, जो पार्टनर कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है उसको पीसी कैश में दे दिया जाएगा। उसके बाद शेयर्स और रिसीव्ड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर एज फॉलो, कंपनी शेयर्स देगी फर्म को, फर्म उसे किसको कितने शेयर्स दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि जो जितने ज़्यादा शेयर्स लेगा उसकी कंपनी में ऑनरशिप प्रोप्राइटरी ज़्यादा होगी, और मतलब उसका वहाँ कंपनी में शेयर ज़्यादा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग भी उसी रेशियो में होगी। फिर इक्विटी शेयर वन में है तो प्रॉफिट शेयरिंग भी ए टू सी वन हो गया, इक्विटी शेयर यदि इक्वल बांटे गए हैं तो उनका प्रॉफिट भी इक्वल बढ़ेगा। तो डिपेंड करेगा, अब ये देखना है कि जो कंपनी से पीसी में इक्विटी शेयर मिले हैं
फर्म उसे किसको कितने शेयर्स दे, उसके लेकर के क्या क्या वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इन देयर क्लोजिंग कैपिटल रेशियो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया ना, तो बेटा जिसे पार्टनर एबीसी है, मान लो तीनों में कोई डिस्प्यूट नहीं है, तीनों नई कंपनी में पार्टनर शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो किसको कितने शेयर दें बेटा, जिसकी जितनी क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल देख लो, फाइनल कैपिटल इन द फर्म बुक्स, फर्म का बुक क्लोजर में फर्म की जो क्लोजिंग कैपिटल है, तब जो ज़्यादा कैपिटल फर्म की अपनी ज़्यादा कैपिटल लेके कंपनी में आ रहा है उसको शेयर ज़्यादा मिले। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर्स नहीं बटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट बांटने के लिए होता है, और हम प्रॉफिट नहीं बांट रहे हैं, हम शेयर्स बांट रहे हैं। तो उस केस में यदि क्वेश्चन साइलेंट है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए, तो इक्विटी शेयर है वो पार्टनर में बांट देना चाहिए उनकी क्लोजिंग कैपिटल के रेशो में। और यदि पूरा का पूरा पूरी पीसी इक्विटी शेयर में ही है, पूरा का पूरा पीसी इक्विटी शेयर में है, तो जिसकी जितनी क्लोजिंग कैपिटल उसको उतनी इक्विटी शेयर दे दो, जिसकी जितनी कैपिटल वो में आके। और दूसरा, यदि पार्टनर डिसाइड करते हैं कि कंपनी में वो इक्वल इंटरेस्ट चाहते हैं, इक्वल इंटरेस्ट इन कंपनी, तो उनको शेयर्स इक्वल रेशो में बांट दो, या ये चाहते हैं पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ फर्म इन कंपनी, वो चाहते हैं कि हमारा रेशियो 5:3:2 था फर्म में, कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग 5:3:2 ही रहे, ऐसा चाहते हैं, तो उनको इक्विटी शेयर भी 5:3:2 में बांटने पड़ेंगे, ताकि इक्विटी शेयर भी 5:3:2 में होंगे तो उनको फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग भी इक्विटी 5:3:2 में होगी, डिविडेंड भी 5:3:2 के रेशियो मिलेगा। देखो बेटा, उसको समझाने के लिए मैंने क्या है एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि एक फर्म है, प्रॉफिट शेयरिंग 5:3:2 है, इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी, बेटा फर्म को पीसी में क्या मिलता है, इक्विटी शेयर्स मिले, कितने के मिले, 6 लाख के मिले। ये मैंने पीसी पूरा नहीं बताया, बस पीसी 6 लाख है वो कंपनी देगी फर्म को, ये फर्म की बुक्स है, फर्म की बुक्स में फर्म को इक्विटी शेयर मिले इन डिस्चार्ज ऑफ पीसी, तो क्या एंट्री हुई, इक्विटी शेयर टू कंपनी, ये 6 लाख के शेयर्स आ गए, है ना बेटा। अब इन शेयर्स को बांटना है इस किसको, पार्टनर एबीसी को। तीन सिचुएशन बेटा मेरे बताइए, एक तो देखो सिचुएशन वन, कैपिटल 280, 190 और 130 है, तो बेटा क्या करो, कुछ क्वेश्चन साइलेंट है, केस वन क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप क्या करो, जिसकी जितनी क्लोजिंग केबल उसको 280 के शेयर्स ए को दे दो, 190 के शेयर्स बी को दे दो, और 130 के शेयर्स सी को दे दो, 280, 190 और 130, जिसकी जितनी क्लोजिंग केबल है उसको उतने शेयर्स दे दो बेटा। केस वन, केस टू, केस टू में क्या करना पड़ेगा, केस टू में बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, अब केस में बार बार यहाँ पर क्या बताऊँ मैं, ये केस में बेटा बस वो एक बार बता दी मैंने कि इक्विटी शेयर कैसे बढ़ेंगे, सिर्फ समझाने के लिए। अब जैसे दूसरा केस, दूसरे केस में पार्टनर चाहते हैं कि उनका रेशियो इक्वल रहे, इक्वल इंटरेस्ट इन कंपनी, इक्वल इंटरेस्ट इन कंपनी मतलब बराबर बराबर, तो बेटा सबको 2-2 लाख शेयर दे दो, सबको इक्वल इंटरेस्ट मतलब इक्वल रेशियो, सबको 2-2 लाख शेयर दे दो, यहाँ पर ए को भी दे दो 2 लाख शेयर्स और 2 लाख शेयर, इक्वल इंटरेस्ट इन कंपनी, इक्वल इंटरेस्ट हो गया, इक्वल रेशियो। अब जैसे ए का बैलेंस था 280 और उसे शेयर दिए गए 2 लाख, तो बेटा उसे 80,000 कैश देना पड़ेगा, दे दो 2 कैश, और एक कैश लाएगा कौन, बी और सी, बी का शेयर, बी कैश लाएगा 10,000 और सी कैश लाएगा 70, तो बी और सी कैश लाएंगे 80,000 मिलकर और वो ए को दे दी जाएगी। और तीसरा क्या बेटा, तीसरा है कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंपनी में भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उनको ये शेयर्स बांटने पड़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3,180,000 और 120, ये बांट दिए 5:3:2 के रेशियो में, 3,180,000, 120, 3 लाख के शेयर्स ए को दे दिए, 180 के शेयर बी को दे दिए और 120 के शेयर सी को दे दिए, 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी। अब बेटा यहाँ पर इसको कैश लानी पड़ेगी, 20,000 कैश लानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी कैपिटल थी 280 पर ये शेयर्स ले गया 3 लाख, 20 कैश लेकर आएगा और इसको कैश देनी पड़ेगी 2 कैश, बी को 10,000 और सी को भी 10 कैश देनी पड़ेगी, बी और सी को 10 कैश, 10 और 10 कैश देनी पड़ेगी और ए को 20 की कैश लानी पड़ेगी। बेटा ये है शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक है बेटा। अब अगला पॉइंट है हाउ टू फाइंड आउट, एक क्वेश्चन है आपका काफ़ी लेंदी सा, उसमें क्या हो रहा है, एक पार्टनर का एडमिशन है वगैरह है और फिर वो कन्वर्जन है, ये क्वेश्चन नंबर 4th है स्टडी मॉड्यूल का, जिसमें एबीसी पार्टनर या दो पार्टनर थे ए और बी, उसी बाद में आया और आया है, एडमिशन हुआ है, उसके एक साल बाद फर्म डिसॉल्व हो रही है और फर्म का बिजनेस बेचा जा रहा है, तो क्वेश्चन कवर हो रहा है
कंपनी के कन्वर्जन में, लेकिन एक्चुअल में पूरा का पूरा क्वेश्चन एडमिशन को लेकर है और एडमिशन के वक्त निकालनी पड़ती है गुडविल। तो गुडविल का उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वो गुडविल का पॉइंट भी आपको बता देना चाहता हूँ। बेटा गुडविल कैसे निकलती है? तो गुडविल हमेशा निकलती है पिछले सालों के प्रॉफिट को बेस बनाकर फ्यूचर प्रॉफिट प्रोडक्शन से। तो ये पिछले साल के प्रॉफिट लिए, एक दो तीन चार पाँच जो भी है, कुछ में पाँच साल का प्रॉफिट दिए मैंने अभी, इसीलिए एग्जाम्पल में नेट प्रॉफिट गिवन पाँच साल के वो ले लो। बेटा इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं मैं आपको बता दूँ। उसमें सबसे पहले बेटा क्या है कि बैलेंस शीट में, अब बेटा गुडविल के लिए एक साफ सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुडविल हमेशा फर्म के बिजनेस की निकलती है, फर्म के बिजनेस की। जो गुडविल निकलती है बिजनेस की तो प्रॉफिट भी लेंगे बिजनेस का, ट्रेडिंग प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बेटा जो फर्म ने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में और वो उसका बिजनेस नहीं है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, तो वो इंटरेस्ट की इनकम यहाँ घटानी पड़ेगी। एक क्वेश्चन नंबर फोर जो बोल रहा हूँ, वहाँ पर बैलेंस शीट में आपको 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना बेटा इसमें से लेस करनी है नॉन ट्रेड इनकम को क्या करो, लेस कर दो, क्योंकि वो प्रॉफिट में जुड़ी हुई है। नॉन ट्रेड इनकम के उस क्वेश्चन में बेटा में वो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं बैलेंस शीट में 4% 6%, वो उसकी इनकम प्रॉफिट में जुड़ी है, उसको लेस कर दो, क्योंकि हमें गुडविल निकालने के लिए बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना उसका ट्रेड नहीं है वो हटा दो। क्योंकि गुडविल में क्या चाहिए देखते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाने की क्षमता बिजनेस की, बिजनेस कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहा है। तो बेटा नॉन ट्रेड प्रॉफिट तो बिजनेस से होता नहीं, वो तो हटाओ ना, हटा दिया, वो तो फिक्स इनकम है, उसमें कोई रिस्क ही नहीं बेटा, ठीक है, हटा दी। और क्या बेटा इसमें से कोई एबनॉर्मल इनकम जुड़ी हुई है, एबनॉर्मल इनकम जुड़ी हुई है हटा दो, क्योंकि ये प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला नहीं है और हमें तो फ्यूचर प्रोडक्शन करना है। कोई नॉन रिकरिंग इनकम जुड़ी हुई है, एबनॉर्मल इनकम बेटा बेटा जैसे स्पेकुलेशन इनकम सट्टा, या फिर कोई प्रॉफिट जो अचानक हो गया जो जनरली होता नहीं है, एबनॉर्मल इनकम। बिजनेस में अचानक 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 कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो कभी बनती नहीं, उससे बिजनेस को अचानक बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, वो अपना और प्रॉफिट वो घटा दो, जिस ईयर में जुड़ा है वहाँ घटा दो, क्योंकि हमें फ्यूचर में ये प्रॉफिट वापस होने वाला नहीं है, तो हमें उसको हटा देना चाहिए। नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम जो बार बार नहीं होगी, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बार बार थोड़ा होंगे, वो लेस कर दो, आगे थोड़ा होंगे बार बार, भले वो नॉर्मल है लेकिन नॉन रिकरिंग है। अच्छा बेटा एट क्या क्या करो, अबनॉर्मल लॉसेस, क्योंकि लॉसेस बाद में होने वाले नहीं है, दोबारा होंगे नहीं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय स्पेकुलेशन एक्टिविटी, ये बार बार नहीं होंगे, हमें तो फ्यूचर प्रोडिक्शन करना है, अभी हो गए किसी एक साल में जोड़ दो, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। उसके अलावा कोई रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट है, रेक्टिफिकेशन उसमें एक पॉइंट था कि अभी तक एबी में से एबी को सैलरी किसी एक पार्टनर को मिलती थी सैलरी, अब सी के आने के बाद वो सैलरी नहीं मिलेगी, अभी तक सैलरी मिलती थी, मतलब वो प्रॉफिट में घटी हुई भी है, पर फ्यूचर में वो सैलरी नहीं देनी, सी के आने के बाद सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, तो सैलरी नॉट पेबल इन फ्यूचर छोड़ दो, क्योंकि वो घटी हुई है पर फ्यूचर में। इससे हमारा क्या निकलता है बेटा, ऐसा सब करने से निकलता है एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको जोड़कर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और फिर गुडविल निकलती है, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है परचेस कंसिडरेशन विल बी पेबल यदि पीसी पूरा शेयर्स में है, पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटा, पूरा पीसी शेयर्स में था, पूरा पीसी इक्विटी शेयर में था, लेकिन यदि पीसी जैसे क्या लिखा है, एक पॉइंट मैंने लिया है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ स्टडी मॉड्यूल, यश तनिष और रुचि का वाला क्वेश्चन है बेटा, मैं पॉइंट आपको मॉड्यूल के पॉइंट करवा रहा हूँ क्लियर, ताकि आप जब मॉड्यूल करें तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं हो मॉड्यूल सॉल्व करने में, आप धड़ाधड़ फट 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 क्वेश्चन करते जाएंगे विदाउट एनी हर्डल। तो पीसी विल बी पेबल पार्टली इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड पार्टली इन कैश, थोड़ा पीसी ₹10 वाले शेयर में होगा, थोड़ा कैश में होगा, कितना किस में होगा ये पता नहीं। पेमेंट इन कैश बिंग टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए हु हैड अग्री टू रिटायर, अच्छा ए जा रहा है, ए बी सी में से ए जा रहा है, झगड़ा करके बोले हमें नहीं बनना कंपनी पार्टनर, तो उसको नकद देना पड़ेगा, तो जितना उसको नकद देने के लिए कैश चाहिए उतना पीसी नकद में होगा, तो कैश देने के लिए पीसी जितनी जरूरत कैश की है उतना तो पीसी कैश में होगा, बचा हुआ पीसी शेयर्स में होगा। हु हैड अग्री टू रिटायर, ये सिमिलर, अच्छा ये सिमिलर पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 में है, अच्छा ये क्या है पॉइंट, ये बेटा ये पॉइंट दो जगह है, ठीक है बेटा, जैसे
कैश है, बैलेंस 150 का कैश है बेटा, एक्चुअल में फर्म में 1.5 लाख का कैश है, मैंने डेटा एक्चुअल वाला लिया और वहाँ पर 40 के रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस भी हैं, 1.5 लाख की कैश ओपनिंग है, 40 के वहाँ रिजोल्यूशन एक्सपेंस है और यहाँ ए का पेमेंट भी करना है और यहाँ पर पीसी में जो कंपनी है उससे कैश भी आनी है। बेटा क्या करो, 1.5 लाख की ऊपर ओपनिंग कैश लिख दो, 40 के खर्चे लिख दो, रिजोल्यूशन ये फर्म पे करेगी, कुछ नहीं कहा गया तो, और यहाँ ए का पेमेंट दिखा दो। तो ये जो बैलेंस शीट फिगर है, ये जो बैलेंस फिगर है, ये हमें कैश में लेना पड़ेगा, ये कैश हमें कम पड़ रही है। अब यहाँ पर मैंने ए का पेमेंट लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया। ए का पेमेंट बता, यहाँ पर मैंने लिया नहीं कि ए का पेमेंट कितना है, पर आपको जस्ट आइडिया चाहिए बेटा। ए का पेमेंट यहाँ लिख दो, ये पेमेंट मान लो एक्स आया, ये हमें एक्स, बेटा हमें इतनी 1.5 लाख कैश है, इतना 40 देना है खर्चों का, इतना ए को देना है, ए का पेमेंट इतना, तो कैश कम पड़ रही इतनी, तो इतना पीसी कंपनी से कैश में ले लो बस। तो पीसी में से इतना तो कैश आ गया और बचा हुआ पीसी शेयर्स में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बेटा बेसिक, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट, अब मैं आपको अगला पॉइंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 है ना बेटा, पॉइंट नंबर 7। उसके लिए मैंने बेटा, मैंने बताया था बेसिक बेसिक, पर कई जगह बेसिक की जगह मुझे क्वेश्चन लेके बेसिक बताना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा होता है क्वेश्चन में जिसको हमें मिक्स करके कोई बेसिक क्लियर करना होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन पर, मैं इस क्वेश्चन पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मॉड्यूल में भी तीन तीन जगह दिया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन चेंज इन डेटा तीन तीन जगह मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो एक बार तो इसको कराना बनता है। इन शॉर्ट आप मेरे मिनट्स गिनोगे तो बेटा 5-7 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। बैलेंस शीट बेटा, बैलेंस शीट दी है किसी एक डेट की और बट रिजोल्यूशन हुआ है उसके 6 महीने बाद, बैलेंस शीट पुरानी है बेटा। हम बुक क्लोज किस दिन करते हैं? जिस दिन फॉर्म डिजोल्व होती है उस दिन। और यहाँ इन्होंने बैलेंस शीट दे दी 6 महीने पहले की, रिजोल्यूशन हुआ 6 महीने बाद, तो हमें यहाँ की बैलेंस शीट चाहिए जब हुआ, क्योंकि मेरे डेटा ये वाला क्लोज करना है। ये बैलेंस शीट पुरानी है, ये यूँ कहूँगी, ये बैलेंस शीट पुरानी, और ये इस दिन हुआ रिजोल्यूशन 6 महीने बाद, तो हमें बुक क्लोजर के लिए भी ये डेटा चाहिए और नई फर्म की बुक्स में टेक ओवर की एंट्री के लिए भी डेटा नया वाला चाहिए, तो हमें नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ऑन द डेट ऑफ रिजोल्यूशन की। और हमें बैलेंस शीट दी है ये वाली, देखिए बेटा ये देखिए पी एंड क्यू, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 9 लिया है आपके स्टडी मॉड्यूल का, वहीं से मैंने कॉपी किया है। तो बेटा ये तीन तीन जगह दिया है मॉड्यूल में ही। तो बेटा पी और क्यू ये बिजनेस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली रेशियो इक्वल है, और बेटा यहाँ पर पी क्यू की केबल 150 130 है, और बेटा यहाँ पर क्रेडिटर है, ओडी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, डेटर है, स्टॉक है, जेएलपी है, लॉस है, ये लॉस असेट में रखा हुआ है, मतलब पार्टनर केबल में डिस्ट्रीब्यूट होने से रह गया, बट जाता तो केबल कम हो जाती। इधर ड्रॉइंग, ये भी केबल से लेस होना रह गई, ये भी लेस हो जाती है, एडजस्ट हो जाती केबल से, तो केबल कम होकर दिखाते। तो हमें क्या करना है, ये इनका एरर है, तो हमें इस केबल में से ये लॉस भी घटाना है और ड्रॉइंग भी घटाना है, तब जाके मिलेगी ये करेक्ट केबल। बेटा ये जो 150 केबल है, 150 और 130, इसमें बेटा ये चूंकि रेशियो उनका इक्वल है, तो ये लॉस 15-15 तो लॉस गया, और ड्राइंग गई 9000, ये ड्राइंग गई 7000। बेटा कैपिटल तो करेक्ट कैपिटल है 150 माइनस 15 माइनस 9, ये हो रही बेटा 126 की इसकी कैपिटल है फाइनल। इसकी 130 माइनस 15 की लॉस माइनस 7 की इसकी ड्रॉइंग, 1,08,000 इसकी फाइनल कैपिटल है। ये है 6 महीने पहले की करेक्ट कैपिटल, यदि इनको हटा दिया जाए तो, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस वॉस, बेटा ये बिजनेस, ये बैलेंस शीट दी है दिसंबर की, और बिजनेस चलता रहा 30 जून तक, 6 महीने बाद तक। पी एंड क्यू बोथ विदड्रॉ इन इक्वल अमाउंट हाफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन प्लांट एंड आफ्टर रिंग ऑफ 5%, यहाँ पर एनम वर्ड नहीं, ओनली 5% ऑन बिल्डिंग। तो बेटा यहाँ तो लगेगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 10% से निकालकर 6 महीने का, लेकिन यहाँ सीधे 5% लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 5% राइट ऑफ करने को बोला है, 5% से राइट ऑफ करने को बोल दिया, मतलब 5% राइट ऑफ कर दो इसको, 6 महीने का मत करो। ड्यूरिंग द करंट पीरियड, अच्छा क्रेडिटर ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 मंथ क्रेडिटर वर रिड्यूस बाय 220, क्रेडिटर 20 से कम हो गए, 20 से कम हो गए, मतलब क्रेडिटर जो 80 थे वो 20 से कम होकर 60 हो गए, और बैंक ओडी जो 45 था वो 5 से घटकर 40 हो गया, और जेएलपी 6000 की में सरेंडर कर दी गई 30 जून के पहले पहले सरेंडर कर दी गई। इसका मतलब ये जो बैंक ओडी आएगा 40,000, बैंक ओडी जो 40 आया क्लोजिंग, तो
45 ओडी ओपनिंग था, 5 से कम हो गया, क्लोजिंग ओडी बचा 6 महीने बाद, 6 महीने बाद ओडी बचा 40,000। तो 40,000 के ओडी में जो हमने एलआईसी सरेंडर कर दी है 30 जून के पहले पहले, उसका इफेक्ट आ चुका होगा ओडी के अमाउंट में, उसका अमाउंट जमा आ चुका होगा। उसके बाद स्टॉक का वैल्यूशन 84 पे हुआ और डेटर का 68 पर, और अदर आइटम रिमेन सेम 30 जून को ये है बेटा। अब क्या करेंगे हमें बेटा, क्या करना पड़ेगा, 6 महीने बाद की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, या यदि क्लोज करना है कैपिटल अकाउंट तो 6 महीने बाद का चाहिएगा ना बेटा, 6 महीने बाद की क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। हमारे पास कैपिटल है 6 महीने पहले की, 126 और 1,08,000 कैपिटल है 6 महीने पहले की, हमें चाहिए 6 महीने बाद की। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और 6 महीने की ड्रॉइंग घटानी पड़ेगी। तो प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग पेल बनाना संभव नहीं है, और बेटा प्रॉफिट क्यों निकालना पड़ेगा, ताकि कैपिटल अकाउंट बन पाए, ताकि ए और बी का बैलेंस निकल पाए कि उनका फाइनल बैलेंस कितना है। तो उसके लिए बेटा प्रॉफिट निकालना जरूरी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल कंपैरिजन मेथड से प्रॉफिट निकालेंगे बेटा, क्योंकि ट्रेडिंग पेल बनाना संभव नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो क्या करें क्लोजिंग के बेटा, उन्होंने तो बैलेंस शीट भी पूछी है 6 महीने बाद की, तो हम बना रहे हैं बेटा। जैसे ये प्लांट, प्लांट पर डेप्रिसिएशन बेटा है, प्लांट पर डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम, 10% पर एनम बेटा, 160 का 10% होता है 16,000, उसका आधा 8,000, 160 - 8, 152 का तो प्लांट ही हो गया। बिल्डिंग बेटा, बिल्डिंग पर उन्होंने 5% राइट ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग, 48 × 5% 2400, इस पर 5% को 6 महीने का मत करो, सीधे 5% राइट ऑफ कर दो, क्योंकि 5% से राइट ऑफ करने को कहा है, ये नहीं कहा कि 5% पर एनम राइट ऑफ करना है, 5% राइट ऑफ करो मतलब 5% राइट ऑफ करो, ये एक क्वेश्चन का पॉइंट है जो आप गलती कर सकते थे, मैंने आपको गलती करने से रोक लिया। फिर डेटर्स, डेटर 68 के दिए हुए हैं 6 महीने बाद, ये लिख दो। स्टॉक दिया हुआ है 6 महीने बाद का, स्टॉक 84 का दिया हुआ है ना बेटा, और ओडी बेटा वो 40 हो गया दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 60 हो गए वो भी दिया हुआ है। ठीक है बेटा, बस जेएलपी सरेंडर हो चुकी है, जेएलपी नहीं आएगी बेटा, जेएलपी सरेंडर हो चुकी है, बस ये आ गई कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कैपिटल असेट्स लेस लाइबिलिटी बेटा 152। ये बेटा करवाने के लिए मुझे क्वेश्चन करवाना जरूरत था, प्लस 45,600 प्लस 68,000 प्लस 84,000 माइनस 40 का तो ओडी है और 60 के क्रेडिट है, 1,00,000 क्या आ गया बेटा, 2,49,600 की है कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब ओपनिंग कैपिटल बेटा, ओपनिंग कैपिटल थी 126 प्लस 1,08,000, 234 की बेटा ओपनिंग कैपिटल थी बेटा। आपको पता है ओपनिंग कैपिटल, अब बेटा ओपनिंग कैपिटल और जो क्लोजिंग कैपिटल है बेटा, बेटा क्लोजिंग कैपिटल आ रही है हमारी 249,600 बेटा। ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे होगी, ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, ये क्लोजिंग कैपिटल है बेटा। तो बेटा लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि नेट प्रॉफिट का आधा ड्रॉ हो चुका है, हाफ ड्रॉन बेटा, नेट प्रॉफिट का आधा ड्रॉ हो चुका है बेटा। आपको पता है तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें ओपनिंग प्लस हाफ नेट प्रॉफिट ही शामिल है। तो बेटा ये ओपनिंग कैपिटल और ये क्लोजिंग कैपिटल, इसमें क्या है, ओपनिंग प्लस आधा नेट प्रॉफिट। आधा तो वो विड्रॉ कर चुके हैं ना, प्रॉफिट हुआ था मान लो 10,000, उसमें से 10 वो ड्रॉइंग करके, प्रॉफिट मान लो 10,000 था, आधा ही ड्रॉ करके 5,000, तो प्रॉफिट जो क्लोजिंग बचा होगा ओनली 5,000 बेटा, 249,600 ये क्लोजिंग के पहले, उसमें घटाई 234 ओपनिंग,
15,600 जो प्रॉफिट आया बेटा, ये आधा प्रॉफिट है, इसको डबल कर दो, ये आ जाएगा 31,200 का फुल प्रॉफिट। बेटा ये जो क्लोजिंग केबल है, ये आपको पता है ओपनिंग प्लस आधा प्रॉफिट है, क्योंकि आधा प्रॉफिट वो ड्रॉ कर चुके, तो जो ओपनिंग प्लस तो और ओपनिंग प्लस आधा प्रॉफिट करके आधी क्लोजिंग केबल, उसमें से मैंने ओपनिंग घटा दी तो ये आधा प्रॉफिट आ जाएगा, तो हाफ प्रॉफिट को डबल कर दो, ये प्रॉफिट आ गया फुल। बेटा इस तरह से निकाल सकते हैं प्रॉफिट, ठीक है। अब बस इस क्वेश्चन में बस यही सबसे इंपॉर्टेंट था, प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। प्रॉफिट 31,200 निकल गया 6 मंथ का, और इसका आधा उन्होंने ड्राइंग की है, ये आपको पता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट नंबर 8, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी पर ही बेटा। देखिए प्रभु एंड कंपनी इसे, मैं छोटे फंडे ले रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, फंडे समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा। आपने यदि ये समझ लिया ना बेटा, तो आपका क्वेश्चन का हेडेक खत्म हो जाएगा। प्रभु एंड कंपनी है, ये कंपनी है नाम, लेकिन है एक पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, इसमें प्रभु भोला और शंकर भगवान पार्टनर हैं, जय जय राम जी की, और रेशो है 2:1 के। ऐसे क्वेश्चन करने से, सुबह सुबह क्वेश्चन करने से सब शुभ शुभ होता है। अब भगवान लिमिटेड इज ए कंपनी डूइंग सिमिलर, तो भगवान लिमिटेड एक कंपनी है जो बिजनेस कर रही है सिमिलर। अब वो भगवान लिमिटेड क्या कर रही है, इस प्रभु फर्म को टेक ओवर कर रही है। तो ये कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी का नहीं हुआ, लेकिन सिमिलर होता है बेटा, ये सेल टू ए कंपनी है, बात एक ही है, मैंने इसी में कवर कर लिया है, आगे मैंने फिर से कवर किया वैसे इसको, ये सेल टू ए कंपनी बेटा, वही पी ये भगवान भगवान जो है भगवान एंड भगवान लिमिटेड, ये भगवान लिमिटेड क्या करेगी, अपने शेयर्स देगी किसको, इस प्रभु एंड कंपनी को, और प्रभु एंड कंपनी शेयर्स को अपने पार्टनर में बांट देगी। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कन्वर्जन में होता है, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, चाहे वो पार्टनर की खुद की बनाई हुई कंपनी हो, चाहे कोई थर्ड कंपनी हो, क्योंकि कोई थर्ड कंपनी है आउटसाइडर एग्जिस्टिंग भगवान लिमिटेड, वो टेक ओवर कर रही है प्रभु एंड कंपनी को। बेटा उसका क्या पॉइंट है खास, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया, इट वॉज डिसाइडेड डेट फ्रॉम प्रभु एंड कंपनी बी डिजॉल्व एंड ऑल असेट एक्सेप्ट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड ऑल लाइबिलिटी ऑफ द फर्म बी टेकन ओवर बाय भगवान लिमिटेड बाय इशूइंग 25,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज, मतलब 25,000 शेयर 12 रुपए वाले, ये पीसी हो गया 25,000 शेयर इंटू 12, पीसी हो गया ₹3 लाख, ये पीसी हो गया बाय पेमेंट मेथड, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, कंपनी पीसी में ₹3 लाख की वर्थ के शेयर देगी 25,000 शेयर 12 रुपए वाले, और कैश नहीं लेगी, बैंक नहीं लेगी, बाकी सब पैसे ले लेगी, लाइब्रेरी ले लेगी, उसके बाद लिखा है पार्टनर ऑफ प्रोविडेंट कंपनी अग्री टू डिवाइड द शेयर इशूड बाय कंपनी इन द प्रॉफिटिंग रेशियो बिंग एंड ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर सेटलमेंट। वो ये शेयर्स जो है ना 25,000 ₹3 लाख के शेयर्स वो बांटेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बहुत सिंपल है। क्रेडिटर ऑफ प्रभु 50 इंक्लूडेड 50 पेबल टू भगवान, अच्छा प्रभु के क्रेडिट में प्रभु 50 देना दिखा रही है भगवान को, ये कॉमन डेप्ट हो गया, वो कैंसिल कर लेंगे बाद में, बता चुका हूँ। एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 12,500 ऑफ प्रभु मस्ट बी टेकन ओवर बाय भगवान, बेटा ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का आप कुछ मत करो, वैसे मैं बता चुका हूँ बेसिक में पिछले लेक्चर में ही, पर इसका कुछ मत करो, वेंडर कंपनी में कुछ नहीं होगा, बस परचेजिंग कंपनी में जब टेक ओवर एंट्री करोगे तो ये लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड कर लेगी कंपनी भगवान लिमिटेड, ये तो एक्चुअल लाइबिलिटी है, वो भले ही उस फर्म ने रिकॉर्ड नहीं की होगी पर कंपनी इसको रिकॉर्ड करेगी एज ए एक्चुअल लाइबिलिटी, और फर्म में इसका कुछ भी नहीं होगा। अब बेटा बड़ा सिंपल है, तो इसमें तो कुछ दम वाली बात ही नहीं है बेटा, ये उनके बैलेंस आ रहे हैं एक्चुअल में, फाइनल बैलेंसेस आ रहे हैं 110, 160 और 55। अब बेटा जो पीसी है ना 3 लाख का, ये पीसी बढ़ेगा 2:1 में, कोई खास बात तो है नहीं, कोई खास बात नहीं बेटा। और ये कैश कैश बेटा जो है 20 और 5 25, तो प्रभु एंड कंपनी की कैश बैंक और कैश मिलाकर 25,000 है, उन्होंने अकाउंट अलग अलग बनाया मॉड्यूल में, मैंने इकट्ठा बना दिया मॉड्यूल में, उन्होंने अलग बनाया कैश और बैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बाद में जो कैश थी वो बैंक में डाल दिया, बैंक को कैश में डाल दिया, जो भी है पर हमने इकट्ठा ले लिया बेटा। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखते हैं बेटा, अब ये 3 लाख के शेयर्स, 3 लाख के शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2:1 में, इसको मिलेंगे 60 के शेयर्स, इसको 120 के शेयर्स, इसको 120 के शेयर्स, ये 10 कैश लाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये 40 कैश ले जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये भी कैश लाएगा 5,000 बेटा, एक पार्टनर कैश लाया 10, एक लाया 5, और एक पार्टनर ले गया 40, बस
कोई खास दम वाली बात नहीं थी, मैंने क्यों करवाया पता नहीं, बहुत ईजी था। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9th, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके मैं की पॉइंट करवा रहा हूँ, लेंथी क्वेश्चन है पर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको करना आसान लगेगा, करने की हिम्मत आ जाएगी। बेटा एक क्वेश्चन एबीसी लिमिटेड वाला है, एबीसी तीन पार्टनर रेशियो था बेटा 3:1 की, कैपिटल भी दी है करंट भी दिया है, और ये बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट द सम ड्यू टू ए, बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा ए की डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई, उस दिन के बैलेंसेस कैपिटल के भी दिए करंट भी दिए, अब यहाँ पर ए का जो लीगल सक्सेसर है उसको क्या लिखा है, द सम ड्यू टू ए स्टेट वॉज रिक्वायर्ड टू बी पेड विद इन पीरियड ऑफ 3 ईयर मिनिमम, बेटा 3 साल में पेमेंट देना है और कम से कम, और ये पेमेंट 2020 की देना है इनको, जो भी इंस्टॉलमेंट है 2020 की है ना, और उस पर बेटा वो तो आप देख लोगे 20 देना है, बचे हुए ब्याज लगाना है फिर 20 देना है, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे फर्म ब्याज देती रहेगी, तो ये ए के लीगल सक्सेसर को जो पेमेंट मिलेगा वो 2020 के इंस्टॉलमेंट में मिनिमम, और बचे हुए अमाउंट पर फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी, ये तो खैर अलग मैटर है। अब इसमें जो मैंने पॉइंट लिया है, इन असर्टेनिंग हिज शेयर गुडविल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स वाज टू बी वैल्यूड एट 60, गुडविल 60 की मानी गई है फर्म की, और लिखा है वॉज टू बी वैल्यूड एट 60 एंड गुडविल नॉट, और बुक्स में भी ये रिकॉर्ड में नहीं है, बेटा ये होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, फर्म की अपनी खुद की बनाई हुई सेल्फ जनरेटेड, इसलिए बुक्स में नहीं है, ना होना चाहिए। अच्छा एंड असेट एक्सक्लूडिंग जॉइंट एंडोमेंट पॉलिसी मेंशन बिलो वर वैल्यूड एट 36 एक्सेस इन द बुक वैल्यू, बेटा जो एक इनके पास एक पॉलिसी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसकी बुक वैल्यू जो भी है उससे 36,000 ज़्यादा उसकी वैल्यू पाई गई, इंडोमेंट पॉलिसी है ये चलती रहेगी फॉर एवर, तो बेटा जो भी पॉलिसी है उसकी बुक वैल्यू एक्स है तो उसकी एक्चुअल वर्थ एक्स प्लस 36 है, ए जिसकी डेथ हुई है उसका जब हिसाब किया जाएगा उसे इस 36,000 के प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए, और गुडविल में भी उसे हिस्सा मिलना चाहिए, गुडविल बुक में है 0 की और वैल्यू है 60, और इंडोमेंट पॉलिसी की वैल्यू है बुक में एक्स, बुक में वैल्यू है एक्स बुक वैल्यू, और एक्चुअल वर्थ है एक्स प्लस 36, तो 36 का जो प्रॉफिट हुआ है इंक्रीज रिवोल्यूशन भी ये को हिस्सा मिलना चाहिए, और गुडविल बुक में है 0 और उसकी वर्थ है 60, आज गुडविल बेची आती तो 60 में बिकती, बुक वैल्यू 0 होती प्रॉफिट 60 होता, तो उसमें ए को हिस्सा मिलता कि नहीं मिलता, वो हिस्सा ए को देना पड़ेगा, और नो गुडविल अकाउंट वॉज रेस्ड एंड नो अल्टरेशन वॉज मेड टू द बुक्स ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, अच्छा सॉरी एक्सक्लूडिंग जॉइंट एंडोमेंट पॉलिसी, पॉलिसी के अलावा बाकी एसेट का वैल्यूएशन 36 ज्यादा पाया गया, सॉरी ठीक है, जो पॉलिसी है उसके अलावा जो अदर असेट्स है उनका वैल्यूएशन 36 ज्यादा पाया गया, बात वही है 36 के प्रॉफिट में एक को हिस्सा देना पड़ेगा, तो चाहे वो पॉलिसी का हो चाहे अदर असेट का हो। अब गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है और नो अल्टरेशन वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसकी वैल्यू 36 से बड़ी, बेटा हम अभी तक तो क्या करते थे, वैल्यू 36 से बड़ी तो असेट डेबिट टू रिवोल्यूशन, जब पार्टनर का एडमिशन वाला पढ़ रहा है जो हमने नहीं पढ़ा, बेटा आपने पढ़ा होगा जब कोई पार्टनर डेथ होती थी या एडमिशन होता था तो बनता था रिवोल्यूशन अकाउंट, तो क्या असेट की वैल्यू 36 ज्यादा पाई गई तो क्या करते थे फिक्स्ड एसेट टू रिवोल्यूशन, और फिर वो रिवोल्यूशन प्रॉफिट पार्टनर बांटते थे, पर ये बोलते नहीं फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को 36 से बढ़ाओ मत, उसकी वैल्यू को अल्टर मत करो, फिर क्या करेंगे वही मैंने मुझे आपको बताना है, ठीक है। और पॉलिसी जो 20 की है उस पर 26 मिला 6 का प्रॉफिट हुआ, ये तो रियलाइज कर ली गई, अच्छा फिर बाद में पेमेंट हो गया, तो मेरा इसमें आपको जो बताने का पर्पस है सिर्फ ये गुडविल और फिक्स्ड एसेट का पॉइंट बताना बेटा, इसमें क्या करना है यहाँ आप रफ में ए लो बी लो और सी लो, फिक्स्ड एसेट 36 है इसको बेटा क्रेडिट करो इनके ओल्ड ए को हिस्सा मिलना चाहिए चाहे बी, तो बेटा क्या करो, बेटा हम क्या करते हैं एक तरीका तो ये है फिक्स्ड एसेट डेबिट ए बी और सी ओल्ड रेशियो, और बेटा ये बुक्स में इस फिक्स्ड एसेट को बड़ी वैल्यू में दिखाना नहीं चाहते, बुक्स में अल्टरेशन नहीं चाहते, तो हमें इसको फिर से राइट ऑफ करना पड़ेगा टू फिक्स्ड एसेट, और ये लॉस बियर करेंगे बी और सी इन बचे हुए पार्टनर इन, या तो ऐसा कर लो पहले फिक्स्ड एसेट को डेबिट करो और ये प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में एबीसी में बांट दो, और फिर चूंकि उसको अल्टरेशन नहीं करना है इसलिए फिक्स्ड एसेट को करो क्रेडिट और बीसी में ये लॉस करो डेबिट, तो मैं इसको रफ में कर रहा हूँ ओल्ड रेशियो में क्रेडिट नए रेशियो में डेबिट,
यही मैं विदाउट एंट्री कर रहा हूँ ओल्ड रेशो में क्रेडिट और नए रेशो में डेबिट, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को अल्टर नहीं करना चाहते। तो इसको क्रेडिट करेंगे इनके रेशो 3:1 36,000। अच्छा बेटा गुडविल का भी तो वही चाहते हैं, गुडविल को भी तो रेस देंगे, तो हम प्लस गुडविल एक साथ कर लें दोनों का, यस का एक साथ कर लेते हैं 96। गुडविल को वो बुक्स में दिखाना नहीं चाहते और दिखाना चाहिए भी नहीं क्योंकि ये तो सेल्फ जनरेट है, लेकिन फिक्स्ड एसेट को वो 36 से बढ़ा के दिखा सकते थे पर दिखाना नहीं चाहते। कुल प्रॉफिट हुआ 96 डिवाइड बाय 6 राइट, ओल्ड रेशो में एबीसी में क्रेडिट। तो ये गुडविल और फिक्स्ड एसेट का प्रॉफिट ए को तो मिल ही गया क्योंकि हमने क्रेडिट किया है ए के, खाली रफ में किया, अभी तो हम करेंगे कि ए को मिल गई क्रेडिट दोनों की। अब इसी 96 की इसको राइट ऑफ कर दो न्यू रेशो में, इस केस में कंटिन्यूइंग पार्टनर में, कंटिन्यूइंग पार्टनर में बी और सी में किस रेशो में, न्यू रेशो में। तो बेटा ए को तो मिल जाएगी क्रेडिट और बी और सी को मिल जाएगी डेबिट, बस आप इसकी एंट्री पास कर देना। मैंने बेटा टाइम कम लिया आपका, मैंने कॉन्सेप्ट बताना है, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट और गुडविल को बुक्स में दिखाना नहीं चाहते इसलिए ओल्ड रेशो में क्रेडिट नए रेशो में डेबिट किया है, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, बाकी पॉइंट आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको गुडविल के लिए ये पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट फॉर गुडविल और एडमिशन ऑफ न्यू पार्ट। बेटा ये गुडविल का, अब चूंकि हमने एडमिशन पढ़ा नहीं पर एक क्वेश्चन में गुडविल का एडजस्टमेंट आ गया एडमिशन पर, तो मुझे बता देना चाहिए। बेटा ए बी ओल्ड पार्टनर थे और ए बी सी नए पार्टनर है 3:1:1 के रेशो में, 3:2 ए बी सी, ए बी का ओल्ड रेशो था, ए बी सी में सी नया आ रहा है। ये क्वेश्चन बेटा वही मैंने कहा था ना, एक लेंथी क्वेश्चन है जो बाद में कन्वर्जन का होता है, एडमिशन देन कन्वर्जन ऑफ, बड़ा उसी में है। गुडविल की वैल्यू 60 है, इट वॉज अग्रीड डेड, उसमें गुडविल निकालनी है कुछ 43,200 कुछ आ रही है, 43,500 गुडविल आ रही थी या 45,600 गुडविल आ रही है वैल्यूशन करने पर, मैंने वैल्यूशन अज्यूम कर लिया है 60, वहाँ शायद 45,600 वैल्यूशन आ रहा है मुझे याद नहीं पर कुछ है वहाँ, तो गुडविल का वैल्यूशन करना है बाय वर्किंग नोट। बट मैंने गुडविल 60 मान ली है उस क्वेश्चन में भी, इट वॉज अग्रीड डेड गुडविल ऑफ फर्म शुड अपेयर इन द बुक्स, यहाँ गुडविल अपेयर होगी तो क्या करेंगे बेटा, गुडविल अपेयर होगी, गुडविल टू ए बी और सी कर देंगे, गुडविल है 60 की या जो भी है इन ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में कहा है गुडविल, और बेटा क्योंकि गुडविल का जो हिस्सा है सी का, नया पार्टनर शायद लाया होगा, लेकर आ गया होगा नया हिस्सा इस गुडविल में, ये गुडविल अपेयर होगी तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी बेटा, मतलब नए पार्टनर सी को भी क्रेडिट देनी पड़ेगी। इसके पहले सी अपना गुडविल में हिस्सा नगद में लाकर पुराने पार्टनर को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे चुका होगा, इसलिए जब क्वेश्चन कहेगा कि गुडविल विल अपेयर इन द बुक्स, तो आप गुडविल को डेबिट कर ए बी सी में क्रेडिट कर दो, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर में क्रेडिट कर दो न्यू रेशो में, ए बी नया रेशो, सी नया पार्टनर है, और इस गुडविल में जो हिस्सा सी का है वो लाकर ओल्ड पार्टनर ए और बी को दे चुका होगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो लाकर दे चुका होगा, उसकी एंट्री पहले हो चुकी होगी और गुडविल अपेयर होने का बोला है, तो आपको ये गुडविल को इस तरह से दिखाना होगा करेक्ट। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट एबीसी पार्टनर है, रेशियो 3:1 है, गुडविल की वैल्यू 60 है और नो गुडविल वॉज रेज्ड। बेटा वही मैंने बताया आपको, जैसे एबीसी है ये क्वेश्चन जो भी है इसमें एक ही डेथ हुई है, बेटा इस गुडविल को मैंने अभी बताई दी आपको, अभी बताना 60 को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट नए रेशियो में डेबिट, वो मैंने गुडविल प्लस फिक्स्ड एसेट को मिलाकर बताया ना बेटा, 60 की गुडविल थी और 36 का फिक्स्ड एसेट थी, वो जो 96 के लिए बताया वही 60 के लिए यहाँ भी करना है, वही क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो ये था ये लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं, दो चीज़ हमने पढ़ी, अमलगमेशन ऑफ फर्म और कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू ए कंपनी पर। ठीक है बेटा, अब अगले वीडियो में हम जस्ट जो मैं रिकॉर्ड करूँगा आज ही, और उसके लिए तो मैं आपको अब इंसॉल्वेंसी बचा है और पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन